सूबे दे विच नगर निगम चोणां नूं लैके ऐलान हो चुके है, बिगल वज चुके है। सूबे च नगर निगम चोणां नूं लैके ऐलान, वड्डी खबर। 14 फरवरी नूं पैणगियां वोटां। जी हाँ, 14 फरवरी नूं वोटां पैणगियां, वड्डी खबर। नगर निगम चोणां नूं लैके वड्डा ऐलान, सूबे दे विच नगर निगम चोणां। 109 म्यूनसिपल कमेटियां ते नगर पंचायतां दे अते 8 म्यूनसिपल कारपोरेशन दे इलैक्शन होण जा रहे हन। कमिशन वालों इन्हां चोणां दा इस अनुसार प्रोग्राम उड़ीकिया गया है। 30 जनवरी नूं नॉमीनेशन फाइल करन दी तरीक होवेगी, जो कि 3 फरवरी तक चलेगी। 4 फरवरी नूं पेपरां दी स्क्रूटनी होवेगी अते 5 फरवरी नूं नाम वापस लैण दी ते सिंबल अलॉट करन दा समां होवेगा। चोण प्रचार 12 फरवरी 5 बजे नूं बंद हो जाएगा अते 14 फरवरी नूं सवेर 8 बजे तो लैके 4 बजे तक वोटां पैण दा काम होगा। वोटां दी गिणती 17 फरवरी नूं कीती जाएगी। इन्हां चोणां दौरान म्यूनसिपल कारपोरेशन वालों 400 मैंबरां की चोण की जाएगी अते म्यूनसिपल कमेटियां अते नगर पंचायतां वालों 1902 मैंबरां की चोण की जाएगी। इन्हां इलैक्शनां 'च लगभग 40 लख पंजाब दे वोटर हिस्सा लै रहे ने, जिन्हां विच तकरीबन अद्ध दे करीब औरतां शामिल हन। कमिशन वालों 4102 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं, जिन्हां विच लगभग 18000 चोण कर्मचारी काम करनगे। यह समा कोविड का भी है। कोविड नूं देख के कमिशन वालों खास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है। चोणां दौरान अमले की सुरक्षा लई सरकार वालों 1,65,00,000 की राशि जारी की गई है, जिस नाल जो भी समान चोण अमले लई चाहिए हो। सो बिल्कुल, सूबे दे विच नगर निगम चोणां नूं लैके बिगुल जो है वो बज चुके हैं और 14 फरवरी नूं तारीख जो है मुकर्र की गई है। इस अलावा होर की कुछ जानकारी है, मेरे सहयोगी राजेश चौहान सर नाल जुड़े ने। राजेश जी, देखा जाए तो हुण 14 फरवरी नूं तारीख जो है वो सामने आ चुकी है नगर निगम चोणां नूं लैके, होर की कुछ ताज़ा जानकारी है? देखिए मनप्रीत, जिहड़े लंबे समय तो कूड़ी खो रही थी चोणां दी तारीखां दी, तारीखां दा ऐलान अज हो गया है। 30 तरीक नूं जिहड़ा है 30 जनवरी नूं नॉमीनेशन की प्रक्रिया शुरू होएगी ते 3 फरवरी तक नॉमीनेशन भरे जाएंगे। 14 फरवरी नूं वोटां पएंगी ते 17 नूं इहदी काउंटिंग की जाएगी। सवेरी 8 बजे तो लैके शामी 4 बजे तक जिहड़ी वोटिंग होएगी ते इस नूं लैके पूरे ऐलान कर दिते गए ने। जिहड़े 40 लाख जड़े मतदाता ने पंजाब दे, वो सारे अपने मताधिकार का ये इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये जड़ा कोविड का दौर चलिया होया है, कोविड के चुनाव चोणा जड़िया हो जा रही पंजाब दे विच, ते कोविड नू लैके भी पूरे एहतियात बरते जाएंगे। इस तो करके ही बूथां की भी संख्या बढ़ा दी गई है, 4000 तो भी वध जड़े बूथ ने वो बनाए गए ने। तो पूरे जड़ा खर्च करन दी जड़ी लिमिट हैगी है उस नू लै के ते सारी चीज़ां किवें चुनाव प्रचार सामग्री का दौर चलेगा, किवें मतदान होएगा, यह सारी गाइडलाइनस जारी हैं, वह भी जारी कर दी गई ने। तो हुण जिहड़ी है चोण प्रक्रिया शुरू हो गई है, आचार संहिता उहदी लागू हो गई है ते 30 तरीक नूं नॉमीनेशन की प्रक्रिया शुरू होएगी। तो यह कह सकते हैं कि पंजाब दे विच जिहड़ी छोटी सरकारां ने उहदे चोणां दे बिगुल बज गए ने ते सियासी जिहड़े योद्धा ने उह भी इहदे विच ताल ठोकणगे। ठंड दे विच सियासत दी गर्माहट हुण पंजाब दे विच वेखी जा सकेगी, जिवें लगातार किसानी अंदोलन भी चल रहा है ते पंजाब दे विच मुद्दा भी बनिया होया है। तो भाजपा भी लगातार आरोप लगाती आ रही सी कि चोणां करके सानूं चोणां तो बाहर करन दी एक साजिश की जा रही है। तो इस विच जिहड़ा है अज ऐलान हो गया, तो हुण वेखना होएगा कि कि राजनीतिक जिहड़े दल ने उहनां दी की भूमिका इहदे विच होएगी ते किन्नू इहदे विच जित मिलेगी ते कौन हार दा मूँह वेखेगा, यह सारी चीज़ां वेखण वाली होणगीआं। बिल्कुल, यह सब देखने वाला होएगा। और इस तो अलावा चोन जाब्ते की जेकर गल की जाए तो 12 फरवरी आखिरी दिन है।
बिल्कुल 12 फरवरी उसका आखिरी दिन है, लेकिन वोटिंग जी है 14 फरवरी होएगी और 17 जी है वो काउंटिंग का दिन रखा हुआ है, क्योंकि 2 दिन का वो गैप जरा दिता जाता है ताकि कोई कितने कित कोई गड़बड़ी की जी कोई शिकायत मिलेगी तो वह पुनर्मतदान की गुंजाइश रखी जाएगी, तो करके 2 दिन बाद यदि काउंटिंग होएगी 17 फरवरी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी।